हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लंबित मांगों को लेकर रोडवेज कर्मियों ने किया अदृत नग्न प्रदर्शन, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला फूका। रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को जोधपुर रोडवेज डिपो के कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर और रोडवेज विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर अदृत नग्न प्रदर्शन किया। उन्होंने यहां रायका बाग बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नारेबाजी के साथ पुतला भी फूका। आंदोलनरत रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर वे कई दिनों से आंदोलनरत हैं। इसको लेकर पहले भी राज्यव्यापी चक्का जाम हड़ताल हो चुकी है। इसके बावजूद राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। वे रोडवेज में नई बसें देने, अवैध बसों के संचालन के खिलाफ कार्यवाही करने, लोक परिवहन बसों का संचालन रोडवेज बस स्टैंड से करीब 2 से 5 किलोमीटर दूर से करने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति परिलाभ का भुगतान करने, महंगाई और भत्ते का बकाया भुगतान करने, बोनस देने समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोडवेज विरोधी नीतियां अपना रही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आंदोलन की कड़ी में बुधवार को रोडवेज कर्मियों ने अदृत नग्न प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुतले की बस स्टैंड परिसर में शव यात्रा निकाली। इसके बाद वसुंधरा राजे के खिलाफ नारेबाजी कर उनका पुतला भी फूका। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।